अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल के उपेट। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई गर्म हो गई है। एक टीस्पून घी डालिए। घी गर्म हो गया है, ये देसी घी है, आप आयल में भी सूजी को भून सकती। ये देखो एक कटोरी सूजी है, एक कटोरी से इस तरह से चम्मच चलाते हुए सूजी को भून लेना। आयल में भी भून सकती, बिना आयल के भी भून सकती, बिना घी के भी भून सकती। घी में, घी से भूनने से थोड़ा है ना सूजी में फ्लेवर अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। इस तरह से चम्मच चलाते हुए सूजी को भून लेना। सूजी इस तरह से चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम में रख के इसको भुनना। हाई फ्लेम में रखे तो सूजी जल जाती है। अच्छे से भूनने से सूजी का फ्लेवर भी अच्छा आता है और सूजी हमारे उपेट भी अच्छे से खिली खिली और अलग अलग दानेदार होती है। सूजी अच्छे से सेक गई है, सूजी का कलर भी बदल गया है और सूजी देखा इस तरह से कैसा ऐसा गिर गया स्पैचुला से। ऐसा गिरने से सूजी अच्छे से भुन गई है। अब एक बर्तन में काट लेंगे। सूजी अलग बर्तन में काट लिए ही, अब आयल डाल लेंगे। दो चम्मच आयल, बड़े चम्मच। एक स्पून घी भी डाल लिए ही। आप चाहे तो बिना घी के भी, मतलब खाली आयल से भी बना सकती, घी से भी बनाती बना सकती हैं और थोड़ा आयल के साथ एक स्पून घी भी डालकर बना सकती। अभी आधा स्पून राई डालेंगे। राई अच्छे से चिटक गए ही, बिना राई अच्छे से चिटकने से, ऐसे ही डाल देने से राई में कसालापन आ जाता है, इसलिए राई को अच्छे से चिटकने तक इसको भून लेना। अब ये फली के बीज भी डालेंगे। दो स्पून फली के बीज, फली के बीज भी अच्छे से थोड़ा सा कलर बदलने तक इसे फ्राई कर लेना। फली के बीज के साथ एक स्पून चने की दाल भी डालेंगे, एक स्पून मांस की दाल। ये भी डालकर चम्मच चलाते हुए इसका भी कच्चापन जाने तक इसे भी भून लेना। राई, चने की दाल, मांस की दाल अच्छे से भून गए हैं, फ्राई हो गए हैं। अब इसमें एक कटोरी प्याज डालेंगे। प्याज डालकर चम्मच चलाते हुए प्याज, प्याज का कच्चापन जाने तक फ्राई कर लेना। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है, ये तीन करे पत्ते की काढ़ी है, ये भी डाल दूंगी। आधा स्पून अदरक का पेस्ट, ये भी डालेंगे। डालकर चम्मच चलाते हुए अदरक को थोड़ा सा कच्चापन जाने तक फ्राई कर लेंगे। दो चम्मच मटर डालेंगे, देखो ये फ्रेश मटर है। और एक चम्मच बल्लर, बल्लर के दाने, ये भी डालेंगे। और दो चम्मच कैरेट है, कैरेट को इस तरह से बॉक्स टाइप में काट के ये भी डालेंगे। और दो चम्मच बीन्स, इस तरह से बीन्स को भी छोटे छोटे पीसेस करके ये भी डालेंगे। ये दो स्पून हरी मिर्च, हरी मिर्च को इस तरह से बारीक काट लिए हैं, ये भी डालेंगे। हरी मिर्च बारीक बारीक काट कर सब्जियों के साथ डालने से चटनी का पन भी कम होता है और फ्लेवर भी अच्छा होता है। इसके साथ ही साल्ट भी डालेंगे, साल्ट अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकती। साल्ट डालकर अच्छे से सब्जियों को फ्राई करने से सब्जियों में अच्छा नमक लगता है, साल्ट अच्छे से लग जाता है। एक मीडियम साइज का टमाटर भी बॉक्स टाइप में काट कर डाल लिए हैं। लिड बंद करके 5 मिनट तक के लो फ्लेम में सब्जियों को स्टीम होने के लिए छोड़ दिए थे, अब खोलकर चेक कर लिए। सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें पानी डालेंगे, जो कटोरी से सूजी लिए थे वो कटोरी से दुगना पानी डालना, मतलब एक कटोरी से 3 हिस्सा पानी डालना।
पानी डालकर अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेना और साल्ट ये सभी टेस्ट कर लेना। साल्ट अपने हिसाब से, जैसा अपना टेस्ट है उस हिसाब से साल्ट डाल ले सकते। पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है, अभी सूजी डाल लेंगे, जो भुनी हुई सूजी है वो इसमें मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिक्स करना। सूजी थोड़ी थोड़ी डालकर मिक्स कर लेना, एकदम डालने से है ना सूजी में लम्स आ जाती। पानी देखो अच्छे से अब्सर्व कर लिया पानी सूजी, अब दम में छोड़ देंगे। लिड बंद करके दम में छोड़ देंगे 5 मिनट तक। दम में छोड़कर 5 मिनट हो गए हैं, अब लिड खोलकर चेक कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देखो पीट भी अच्छे से दम हो गई है, दानेदार दिख रही है। अब इसमें 1 स्पून घी डाल लेंगे, देसी घी। लास्ट में देसी घी डालने से फ्लेवर अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। इसके साथ ही हरा धनिया भी डाल लेंगे, थोड़ा मिक्स कर लेंगे। पीट दानेदार कैसी खिली खिली, कितनी अच्छी लग रही है और खुशबू भी अच्छी आ रही है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये हेल्थी है। ये हमारा हेल्थी नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, वेजिटेबल की पीट बनकर रेडी हो चुकी है। ये हमारा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप भी हमारे डिश बनाकर ट्राई कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।